माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड, आज मैं अपने रेसिपी ब्लॉग में अपनी किचन की इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूं। तो ये देखिए अभी मेरा किचन कैसा फैला हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो अब चलते हैं, अपने सारे बर्तन को धो लेते हैं। ये देखिए लंच बनाते समय कैसे किचन फैल जाते हैं, तो बस वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट में बताइएगा। तो बस अब शुरू करते हैं अपने किचन की सफाई। सबसे पहले मैं बर्तन को खाली कर लूंगी और सब चीजें अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। आज मैं हल्की सी सफाई शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी तो मैं पूरी किचन कपड़े से अपनी किचन की जो प्लेस है वो मैं साफ कर रही हूँ। और थोड़ा सा कपड़ा मैंने गीला कर लिया है फ्रेंड। पीछे मुन्नी के कैमरा में देख भी रही हूँ कि क्या दिख रहा है कि नहीं। मैं आपको अपनी पूरी किचन की क्लीनिंग भी दिखाऊंगी फ्रेंड। ये देखिए विम बार, मैंने नया विम बार ले लिया है। मेरी किचन की तो क्लीनिंग हो चुकी है, बट साफ करने हैं तो बस अब बर्तन साफ कर लेते हैं फ्रेंड। बर्तन साफ कर लेते हैं। मेरे किचन से देखिए एक हरा हरा पेड़ दिख रहा है जो मोगरे का पेड़ है, जो मेरे किचन के एकदम पास में ही है। मैं कभी आपको अपने घर के बाहर का नजारा भी दिखाऊंगी फ्रेंड। से साफ कर लिया है, मैं पानी से धो लेती हूँ फ्रेंड। ये देखिए, ये मैंने मटका रखा हुआ है, हम फ्रिज के पानी नहीं पीते हैं। ये मटका रखा हुआ है और ये मेरे फ्रिज पे देखिए लाल कलर का जो स्वास्थ्य बना हुआ है, जब हम बना देते हैं ऐसे छोटे फटाफट फटाफट अपने सारे बर्तन को धो लेती हूँ।
मजा आ जाता है। तो बस ये हमारी बेसिन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ब्लॉग के साथ। बाय फ्रेंड्स।